Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. Last time beta hum rank correlation ke bare mein discussion kar rahe the. अब आपको पेज नंबर 112 पर सेक्शन ई का 6 नंबर का सम देखना है बेटा. टू नो द रिलेशन बिटवीन द रिजल्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस टेकन इन अ स्पन और शॉर्ट टाइम ए टीचर हैज कंडक्ट टू एग्जामिनेशंस इन लास्ट 2 वीक्स एंड द रैंक्स ऑब्टेन बाय 7 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज. फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट टू द सिमिलैरिटी बिटवीन द रिजल्ट्स ऑफ टू एग्जामिनेशंस. तो देखो बेटा, यहाँ इसने ऑलरेडी आपको रैंक दिया हुआ है. यहाँ आपके पास क्या है, रैंक इन टेस्ट 1, जिसे हम कहेंगे RX, एंड रैंक इन टेस्ट 2, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, RY कहेंगे. अब देखो बेटा, यहाँ रैंक दिया है, बट एक रैंक आप देखो कि पॉइंट में है. मतलब कि ये जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 टाइम्स होगा. टू टाइम्स है, मतलब हमें CF वाली फॉर्मूला लगानी पड़ेगी यहाँ बस. और कोई भी ऑब्जर्वेशन जब 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो CF हमें पता है 0.5 आएगा. कितना आएगा बेटा, 0.5. तो यहाँ बेटा अब पहले लिखेंगे RX, RY जो ऑलरेडी दिया हुआ है. हम थर्ड कॉलम डी बनाएंगे, बाद में डी का स्क्वायर यानी डी स्क्वायर. ओके, ये तो आप सब ऑलरेडी जानते हो. बाद में हम बेटा CF फाइन करेंगे. तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जर्वेशन जब 2 टाइम्स आ रहा है तो CF 0.5 आता है. तो आप डायरेक्ट ले लो तो भी चले, इस तरह का कैलकुलेशन करो तो भी चले. तो R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF अपॉन n स्क्वायर माइनस 1. R इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 48.5 प्लस CF 0.5. n 7 है, 7 स्क्वायर माइनस 1. तो 1 माइनस 6 49 अपॉन 7, 49 माइनस 1. तो 1 माइनस 294 अपॉन 7 इंटू 48. तो बेटा हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0.13 बेटा. क्लियर? ओके, नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7. एन एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायर्ड टू स्टडी अबाउट इज कंडक्टेड ऑनलाइन. द मार्क्स ऑब्टेन इन रीजनिंग एबिलिटी ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इन दिस ऑनलाइन टेस्ट. ओके, by 5 students selected in a sample are given below. Student A, B, C, D and E mark in reasoning ability and mark in English speaking बेटा. तो अब देखो, first जो ये जो है ना वो आपको X दिया है, and second जो है वो Y दिया है आपको. अब आप देखो कि X के अंदर हर एक का 5 नंबर है और Y के अंदर 1 का 0 है, 2 का -2 है और 2 का +2 है. तो कैसे करेंगे हम, तो देखते कैसे करना है हमें. तो अब देखो बेटा, यहाँ ये जो 5 का जो कॉलम है, हर एक के 5 है. तो अब हर एक के सेम है तो सेम ही चाहिए. तो हमें बेटा कैलकुलेशन करना है. क्या कैलकुलेशन करना है, तो जो 5 है वो 5 टाइम्स है. तो यहाँ हमें रैंक देना है बेटा, एक को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड, प्लस थर्ड, प्लस 4 प्लस 5 अपन कितना करेंगे बेटा, 5. तो 15/5 करेंगे बेटा, तो हर एक की एवरेज कितनी आएगी, 3. तो हर एक को हमें बेटा 3 थर्ड रैंक देना है. कितना देना है बेटा, 3rd. तो देखो बेटा, यहाँ हमने सबको 3rd रैंक दे दिया, 1 2 3 4 5 हर एक को हमने कितना दे दिया, 3rd रैंक. ये एक्स था. अब बेटा बात आई वाई की. वाई के अंदर देखो आप,
फर्स्ट रैंक तो टू को आएगा, बट टू टू टाइम्स है, तो टू टाइम्स है तो हम कैलकुलेशन करेंगे कि एक को फर्स्ट, दूसरे को सेकंड अपॉन टू, तो एवरेज क्या आएगी 1.5। तो जो टू है वो टू को 1.5 देंगे हम, तो देखो 1.5 मिल गया। अब जीरो, जीरो को तो 1.5 टू टाइम्स आया तो टू चला जाएगा, तो जीरो को थ्री नंबर। अब माइनस टू आया बेटा, तो माइनस टू का कैलकुलेशन करेंगे तो थ्री तक हो गया है, तो यहाँ देखेंगे तो 4 + 5/2, तो कितना देना है बेटा हमें 4.5। तो हम टू को, माइनस टू को मार देंगे बेटा 4.5। बाद में हम बेटा कौन सा कॉलम बनाएंगे, डी एन आफ्टर डी स्क्वायर। क्लियर बेटा? ओके, अब हमें क्या करना है, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन जो 5 times रिपीट हो रहा है तो याद रखना सी एफ कितना आएगा बेटा 10, क्योंकि 5³ - 5/12 करो तो 125 - 5/12, तो कितना मिलेगा 10। 2 times हो रहा है तो हमें पता है 0.5, 3 times हो रहा है तो 2, तो सिग्मा सी एफ कितना होगा बेटा 11 होगा। कितना होगा बेटा 11। तो बाद में आप फॉर्मूला के अंदर वैल्यू बेटा पुटअप कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट बात करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। 6 डांसर्स ए बी सी डी ई एंड एफ इन अ डांस कंपटीशन वेयर जज बाय 2 dance gurus, द रैंक असाइन टू द डांसर आर एस फॉलो। अब यहाँ बेटा क्वेश्चन देने का कुछ तरीका अलग किया है इसने। यहाँ जो गुरु ने जिसको जो रैंक दिया वो रैंक लिखा हुआ है, तो कैसे करने का देखो, पहले आपको बेटा डांसर्स लिख देना है ए बी सी डी ई एफ। अब आगे जाके आपको देखना है कि जो फर्स्ट रैंक के किसको दिया है, तो पहले गुरु ने बी को फर्स्ट रैंक दिया है तो यहां 1 लिखेंगे, और दूसरे गुरु ने एफ को फर्स्ट रैंक दिया है तो एफ के अंदर 1 लिखेंगे। सेकंड रैंक जो था वो गुरु 1 ने एफ को दिया है और गुरु 2 ने ए को दिया है। थर्ड रैंक जो था वो गुरु ए ने ए को दिया है और गुरु जो सेकंड था इसने सी को दिया है। फोर्थ रैंक था वो गुरु 1 ने सी को दिया है और गुरु 2 ने बी को दिया है। फिफ्थ रैंक था वो पहले वाले ने डी को दिया है और दूसरे वाले ने ई को दिया है। एंड सिक्स रैंक जो था वो पहले वाले ने ई को दिया है और दूसरे वाले ने डी को दिया है। तो इस तरह बेटा आपको रैंक देना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाद में बेटा जैसे हम डी का कॉलम बनाते हैं वैसे डी आफ्टर हम क्या बनाएंगे बेटा, डी स्क्वायर बनाएंगे। ओके, ज़्यादा कुछ करना है नहीं बेटा। ओके, अब बेटा देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। द फॉलोइंग डेटा इज ऑप्टेन फॉर 2 variables इन्फ्लेशन एक्स एंड इंटरेस्ट रेट वाई, एन दिया है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई। ऐसे देखो तो कार्ल पियर्सन की बड़े वाले जो सेकंड नंबर की फॉर्मूला है वही फॉर्मूला का यहाँ हमें यूज करना है, बट यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। लेटर ऑन इट वॉज नो दैट 1 pair ऑफ ऑब्जर्वेशन 10-6 was included additionally by mistake, find the correlation coefficient by excluding this pair of observation। यानी हमने एक पैर, ये 10x है और 6y, ये पैर हमने एडिशनल ले लिया है बेटा, तो हमें पहले करेक्शन करना पड़ेगा, बाद में हमारा सम हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है हमें, तो देखो ऑलरेडी हमारे पास सब कुछ है, एन है सिग्मा एक्स है सिग्मा वाई है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एन सिग्मा एक्स वाई। हमारी हमने एक्स इज इक्वल टू 10 ज़्यादा ले लिया है
एंड वाई इज इक्वल टू, हमने 6 ज़्यादा लिया है। तो पहले तो हमने एक पैर एडिशनल लिया है, तो पहले हम टोटल एन में से एक माइनस करेंगे, तो हमारा कितना होगा 49। एन एक कम हो जाएगा। अब एक्स को भी एक्स में से माइनस करेंगे, तो सिग्मा एक्स जो 500 थे इसमें से ये 10 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 490। वाई में से वाई माइनस करेंगे तो 300 में से 6 माइनस करेंगे तो 294। सिग्मा एक्स स्क्वायर बेटा, तो एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर माइनस करना है तो कितना मिलेगा बेटा 5350। वाई स्क्वायर में से वाई का स्क्वायर माइनस करना है बेटा, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस करोगे तो 1964। एंड सिग्मा एक्स वाई जो है बेटा, तो 3090 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा 3030। यानी हमने करेक्शन कर लिया। अब हम जो हमारी जो सेकंड वाली जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला के अंदर हमने जो करेक्शन वाली जो वैल्यू फाइंड की वो हम पुटअप करेंगे, तो हमें आंसर R इज इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा 0.3 मिल जाएगा। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट एंड चैप्टर टू का लास्ट सम बेटा। इस सम के अंदर हमें कौन सी फॉर्मूला का यूज करना है वो पहले डिसाइड करना होगा। तो देखो बेटा, आप यहाँ x बार आपको दिया है, y बार दिया है, सिग्मा x माइनस 65 स्क्वायर, सिग्मा y माइनस 13 स्क्वायर, सिग्मा x माइनस 65, y माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ बेटा कौन सी फॉर्मूला आएगी? तो कई बच्चे बोलेंगे सर बड़े वाली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो पहले हमें ये देखना है बेटा कि हमारा x बार कितना है, तो कि 58, बट हमने माइनस कितना किया है 65, मतलब हमने x बार माइनस नहीं किया है, ये हमने a की वैल्यू माइनस की है, एज्यूम मीन माइनस किया है, मतलब ये a है हमारा बेटा। एंड यहाँ हमने 13 माइनस किया, y बार 14 था बट हमने माइनस 13 किया है, मतलब कि ये b हुआ बेटा। यानी कि यहाँ हमने uv वाली मेथड का यूज, तो यहाँ बेटा हमने a और b को माइनस किया है, मतलब ये जो हुआ ना वो u हो गया बेटा, और ये जो है वो v हुआ, मतलब कि ये u स्क्वायर दिया है और ये हमें v स्क्वायर दिया है बेटा। n तो हमारे पास है बेटा 10। क्लियर? तो हमारे पास सिग्मा u स्क्वायर है, सिग्मा v स्क्वायर है, सिग्मा uv भी है, एन भी है, तो क्या नहीं है? तो हमारे पास सिग्मा यू एंड सिग्मा वी दोनों नहीं है बेटा। तो सिग्मा यू एंड सिग्मा वी कैसे फाइंड किया जाता है? तो याद रखना ये फॉर्मूला सिग्मा यू एंड सिग्मा वी, सिग्मा यू इज इक्वल टू होगा बेटा एन एक्स बार माइनस एन ए, और सिग्मा v इज इक्वल टू होगा बेटा एन वाई बार माइनस एन बी। ये फॉर्मूला लिख लेना बेटा सम के बाजू में, और पर फाइनल एग्जाम तक याद रखना है बेटा। सिग्मा u इज इक्वल टू एन एक्स बार माइनस एन ए, सिग्मा v इक्वल टू एन वाई बार माइनस एन बी। देखो बेटा कैसे, तो यहाँ देखो सिग्मा यू इज इक्वल टू एन एक्स बार माइनस एन ए, एन कितना है बेटा 10, एक्स बार कितना है 58, माइनस 10, ए कितना है बेटा 65, तो 580 माइनस 650 तो कितना मिलेगा बेटा माइनस 70। सिग्मा यू कितना मिला बेटा माइनस 70 मिला। इसी तरह बेटा हम सिग्मा वाई फाइंड करेंगे, तो सिग्मा वी इज इक्वल टू एन वाई बार माइनस एन बी, तो 10 इंटू वाई बार कितना है यहाँ बेटा 14, माइनस 10 इंटू एज्यूम वैल्यू कितनी है बी, तो कि 13, तो 140 माइनस 130 तो कितना मिलेगा बेटा सिग्मा वी 10 मिलेगा। सिग्मा यू माइनस 70 मिला था, सिग्मा वी कितना मिला था बेटा
10 मिला। तो यहाँ देखो इसने फाइंड किया हुआ है बेटा, तो सिग्मा यू एंड सिग्मा वी की वैल्यू -70 एंड 10। अब बेटा हम फॉर्मूला के अंदर लिखेंगे R इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एन इंटू सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। और इसके अंदर सब हम बिला वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो बेटा आज हमारा सेकंड चैप्टर लीनियर कोरिलेशन यहाँ कंप्लीट हुआ। आप एक्सरसाइज के हर एक सम क्लियरली कर लेना, एनी कोई डाउट है बेटा तो स्कूल में आके सॉल्व कर लेना। ओके बाय बेटा।